लिवर और एज यू कॉल्ड एज अ जिगर. ऑन द ओकेशन ऑफ 19 अप्रैल 2021 वर्ल्ड लिवर डे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिवर के बारे में. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहन, फैकल्टी ऑफ इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट पीरागढ़ी पश्चिम विहार. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिवर हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे लिवर के कुछ बेसिक एक्रोनियम्स के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ करके जान करके नॉर्मल नॉन मेडिको पर्सन भी अपने लिवर की बारे में जानकारी ले सकता है और उसका ख्याल रख सकता है. तो जो कॉमन एक्रोनियम है लिवर का इज कॉल LIVER एंड L फॉर स्टैंड इज फॉर लिकर. सो अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर लिकर यानी कि अल्कोहल का कंजप्शन है तो प्लीज इसको कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि लिकर एक रास्ता है आपके लिवर को खराब करने का जो कि कॉज करता है लिवर कैरेसिनोमा. सो यू हैव टू कट ऑफ लिकर इन योर डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट इज LII. आई इज फॉर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ होता क्या है कि बहुत से लोगों को ये ही नहीं पता होता कि उनके लिवर में कोई डिसऑर्डर है, कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि हम लोग रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं. हमें एक रूटीन बांधना होगा कि हर 3 मंथ बाद हम अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारे लिवर में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया है, क्योंकि लिवर इन्फ्लामेशन कई वजह से हो सकता है, क्योंकि लिवर का काम हमारी बॉडी के सभी केमिकल और केमिकल्स को डिटॉक्सिफिकेशन को ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन को करने के अंदर हेल्प करता है. तो चाहे अगर आपको कभी मलेरिया हुआ हो या डेंगू हुआ हो, ये सभी चीजें बाद में कॉज करती हैं लिवर इन्फ्लामेशन को. नेक्स्ट है वी फॉर वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की करवाना बहुत ही जरूरी है. तो आज के इस माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी को अपना हेपेटाइटिस बी का बूस्टर डोज लगवाना चाहिए ताकि आप अपने लिवर को आने वाले समय के लिए प्रोटेक्ट कर सकें. ई फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बेहद जरूरी है हमारे लिए. किसी भी लीवर को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को डे टू डे लाइफ के अंदर एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको 100 साल जीना है तो आपको दिन में 100 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही होगी अपने अच्छे हेल्दी लिवर के लिए. और अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो इस वक्त तो आपके आसपास ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है और वजन बढ़ने की वजह से उनके लिवर को फैटी लिवर कहा जाता है और फैटी लिवर कॉज करता है बाद में लिवर फेलियर. तो अपने लिवर को बचाए रखने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइजेस को ऐड करना होगा. और इसी के साथ साथ आर फॉर रिकवरी और रिपोर्ट. अपनी इस लिवर के टेस्ट जो भी हमने अभी तक एक्रोनियम को फॉलो किया है इनको रिपोर्ट करना. रिपोर्ट से मेरा मतलब है यहां पर हर एक टाइम पीरियड के बाद अपने टेस्टिस की रिपोर्ट करना और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना. खुद ब खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना है. अपने लिवर को जानने और पहचानने के लिए आपको अपने लिवर के बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपके डायग्नोस लिख सके, अच्छे तरीके से आपके लिवर की जांच हो सके. सो इसी एक्रोनियम्स को हम अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिवर को हम कुछ एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. माई सेल्फ मिस्टर रोहन, इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट पीरागढ़ी पश्चिम विहार. ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. थैंक यू.